उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश भर की नदियों में भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को ताक पर रखकर मशीनों से किए जा रहे खनन और वन विभाग व कुमाऊं निगम द्वारा ली जा रही रॉयल्टी में भिन्नता के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सचिव खनन को 21 दिन के भीतर शपथ पत्र पेश कर रॉयल्टी में भिन्नता का कारण बताने और नदियों में मशीनों के खनन पर रोक लगाने को कहा। गौरतलब है कि हल्द्वानी निवासी गगन पराशर ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि भारत सरकार द्वारा बनाई गई खनन नीति को दरकिनार कर प्रदेश में भारी मशीनों से अवैध खनन हो रहा है। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा निजी पट्टों पर 19 रुपए प्रति क्विंटल रॉयल्टी ली जा रही है, जबकि वन विभाग द्वारा प्रति क्विंटल 31 रुपए रॉयल्टी ली जाती है, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नदियों में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने के साथ खनन रॉयल्टी को एक समान करने की मांग की गई है। वर्तमान में प्रदेश में दो तरह से खनन होता है, एक वन निगम की साइट्स पे होता है और एक अन्य साइट्स हैं जो निजी पट्टे हैं कुमाऊं मंडल विकास निगम के और अन्य पट्टे हैं। तो जो नदी तट पर जो भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक वहाँ पर न तो मशीनी खनन हो सकता है और वहाँ पर सर्विलांस भी होता है, तो वन निगम तो उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन जो प्राइवेट निजी पट्टे हैं वहाँ पर इनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, मशीनी माइनिंग हो रही है। और दूसरा विषय रॉयल्टी का था कि जो प्रदेश में रॉयल्टी खनन पर ली जाती है, जो कि रिवर वेडवेटर पर ली जाती है, वो निजी पट्टों पर तो 12 से 19 रुपये ली जा रही है राज्य सरकार द्वारा, और जबकि जो वन विकास निगम की साइट्स हैं रिवर बेड पे उन पर 31 रुपये पर क्विंटल की रॉयल्टी ली जा रही है, जिस कारण अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है। जो लीगल माइनिंग है वो डिप्रिशिएट हो रही है और जो इस तरह की इलीगल माइनिंग है उसको अप्रिशिएशन मिल रहा है।